दरकती पहाड़, खिसकती जमीन, नदियों का रौद्र रूप, हिमाचल उत्तराखंड में कुदरत का कहर जारी है। विशालकाय पहाड़ भरभराकर जमींदोज हो रहे हैं। जगह जगह लैंडस्लाइड से तबाही देखने को मिल रही है। आसमानी आफत से हर तरफ हाहाकार मचा है। हिमाचल में पिछले चार दिन में बारिश और लैंडस्लाइड से जुड़ी घटनाओं में 74 लोगों की मौत हुई है। इनमें से 21 लोगों की मौत शिमला में हुई है। शिमला में समर हिल स्थित शिव मंदिर के लैंडस्लाइड में चपेट में आने से अब तक 14 लोगों के शव मिल चुके हैं। अभी 8 और लोगों के दबे होने की आशंका है। हिमाचल में रविवार से मंगलवार तक भारी बारिश हुई थी, हालांकि इसके बाद बारिश में कमी आ गई, लेकिन लैंडस्लाइड की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। राज्य में अब तक 10,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। वहीं अभी भी बार बार भूस्खलन और बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही हैं। इस बीच सीएम सुक्खू आज सिरमौर के दौरे पर पहुंची। यहां उन्होंने बादल फटने से हुए नुकसान का जायजा लिया। मैं हिमाचल से चुने हुए सारे चारों सांसदों से ये पूछना चाहता हूं कि इस राज्य में इतनी बड़ी आपदा आई है और पार्लियामेंट सेशन लगा है, आप राजनीति करने की बजाय वहां से हमें आंतरिक मदद मनाने के लिए आज तक क्यों नहीं मिले? हालांकि जेपी नड्डा जी ने हमेशा फोन करके पूछा है, पिछली बारी आपदा में उनका भी, अनुराग जी का भी फोन आया था, लेकिन आज तक चारों सांसद इकट्ठे होकर तो मिल नहीं पाए कि राज्य में आपदा है, अंतरिम राहत की पहली किस्त दो, और राजनीति कर रहे हैं। इससे बड़ी आपदा नहीं आएगी। राजनीति करने के लिए और समय मिला है, अभी हमारे 70 होंगे, चुनाव होंगे तो राजनीति करना। इस समय मुझे, मेरा सिर्फ ध्यान आपदा से प्रभावित लोगों के घर बसाना है, आपदा से प्रभावित लोगों के जो राहत हमारे पास अपने संसाधनों से वो पहुंचाना है, और उनके जो जख्म है, जिस आदमी ने अपना घर तिनका तिनका जोड़कर बनाया होता है, अगर वो उजड़ जाए, सिर्फ उनके जख्मों को अभी टेम्परेरी मरहम लगाकर उन्हें दोबारा से बसाने का निर्णय हमारी सरकार का कृत संकल्प है और हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। उत्तराखंड में मानसून आने के बाद से अब तक 52 लोगों की मौत हुई है, जबकि 19 लोग लापता हैं। राज्य को 650 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में गुरुवार को लैंडस्लाइड में 3 मकान ढह गए। इतना ही नहीं, कोटद्वार में नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से ट्रक भी बह गए। 5 लोगों को काफी मशक्कत के बाद सैलाब के बीच से बचाया जा सका। वहीं राजधानी देहरादून के विकास नगर में गुरुवार को लैंडस्लाइड हो गई। इसमें करीब 6 घरों को नुकसान पहुंचा है। इसके बाद इलाके को खाली करा लिया गया। देहरादून में कई इलाकों में पानी भर गया है। एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। तो वहीं देहरादून को ऋषिकेश से जोड़ने वाला रूट का हिस्सा भी पानी में बह गया। इतना ही नहीं, हरिद्वार में गंगा का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। तो वहीं ऋषिकेश में गंगा का पानी घाटों के किनारे स्थित इलाकों में भर गया। हरिद्वार में गंगा के रौद्र रूप ने मैदानी इलाकों की मुश्किलें बढ़ा दी। पहाड़ों पर हो रही मूसलाधार बारिश का आलम यह है कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ आ गई है। हिमाचल में हुई बारिश से पंजाब के 7 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। इनमें होशियारपुर, रोपड़, तरनतारन, कपूरथला, अमृतसर, फिरोजपुर और गुरदासपुर में बाढ़ की हालत बने हुए हैं। गुरदासपुर में बाढ़ के पानी के साथ चकशरीफ से भेणी मियां खां के रास्ते में पड़ती ड्रेन का पुल टूट गया है, जिसके बाद इस रास्ते को बंद कर दिया गया है। फिलहाल ब्यास में पानी का स्तर 744 गेज तक पहुंच चुका है। वहीं यहां पानी 2.50 लाख क्यूसेक के आसपास बह रहा है। यही कारण है कि इसका असर तरनतारन में भी देखने को मिल रहा है। हालातों को देखते हुए हरिके हेड से पानी पाकिस्तान की तरफ छोड़ना शुरू कर दिया गया है। वहीं पंजाब से आई बाढ़ पर मुख्यमंत्री भगवंत मान खुद ग्राउंड पर जाकर हालात का जायजा ले रहे हैं। गुरुवार को होशियारपुर में बाढ़ के पानी से गिरे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान नाव लेकर पहुंच गए। सीएम ने उन लोगों को सुरक्षित बाहर निकलवाया। बहरहाल, हिमाचल और उत्तराखंड में हो रही भारी बारिश की वजह से देश के कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब की सिटी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।